हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। देश में कोरोना का खतरा, केंद्र का राज्यों को निर्देश, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना हो, वेंटिलेटर दुरुस्त रखे। तो दोस्तों, देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। और दोस्तों, इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लेटर भेजा है और दोस्तों इसमें लिखा है कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी है, लेकिन हमें आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। वही दोस्तों, मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ध्यान रखे कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना आए और साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई की मशीनें दुरुस्त रखी जाए। वही दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा और यदि इन देशों के किसी भी यात्री में COVID-19 के लक्षण पाए जाते हैं या टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राजस्थान टीचर भर्ती का जीके का पेपर लीक, मास्टरमाइंड की रफ्तार चलती बस में सॉल्व कर रहे थे 40 छात्र, 10-10 लाख में डील। तो दोस्तों, राजस्थान में शनिवार को सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन दोस्तों एग्जाम शुरू होने से पहले ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उदयपुर में 40 स्टूडेंट्स बस में पेपर सॉल्व करते पकड़े गए, लेकिन दोस्तों इसे लेकर अजमेर, उदयपुर, अलवर समेत राज्य भर में छात्रों ने हंगामा और प्रदर्शन किया। इसके बाद दोस्तों, आनंद फानंद में सुबह 9 बजे एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले पेपर कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साफ किया है कि आज दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा होगी और सिर्फ सुबह की पारी में होने वाला जीके का पेपर स्थगित किया गया है। और दोस्तों, इस पेपर को 4 लाख छात्र देने वाले थे और अब एग्जाम कब होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। वही दोस्तों, उदयपुर SP विकास शर्मा ने बताया कि पेपर लीक होने की जानकारी देर रात मिली और इसके बाद हमने टीम को एक्टिव कर दिया था और बेकरिया थाने के बाहर एक बस को देखा, उसके बाद संदिग्ध लगने पर छानबीन की गई। वही दोस्तों, बस में बैठे लोगों के पास कुछ पेपर थे जो ओरिजिनल पेपर के सवालों से मिलते जुलते थे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, राहुल हरजत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे, बोले नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को दिल्ली पहुंची है और दोस्तों उनकी यात्रा में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुई है। वही दोस्तों, यात्रा के दौरान राहुल ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाई और दोस्तों बता दें कि कन्याकुमारी से चलकर राहुल के पिछले 107 दिन में 3000 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो दोस्तों, दिल्ली में राहुल ने कहा है कि मैंने RSS और BJP के लोगों से कहा है कि हम आपके नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए हैं। तो दोस्तों, राहुल की यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ पहुंची और इस वजह से दिल्ली पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा जगह ट्रैफिक डाइवर्ट किया और दोस्तों वही बदरपुर बॉर्डर से लाल किले तक हैवी ट्रैफिक रहने की संभावना जताई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के मुताबिक यात्रा शनिवार को 23 किमी का सफर तय करके शाम 4:30 बजे लाल किले पर समाप्त हो गई है और इसके बाद दोस्तों यात्रा में 9 दिन का ब्रेक रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ICICI बैंक के पूर्व MD और CEO चंदा कोचर अरेस्ट, लोन फ्रॉड केस में CBI की कार्रवाई, चंदा के पति दीपक को भी किया गिरफ्तार। तो दोस्तों, ICICI बैंक के पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को CBI ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। वही दोस्तों, वीडियोकॉन ग्रुप को रेगुलेशन के खिलाफ जाकर दिए गए करोड़ों रुपए के लोन के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। तो दोस्तों, जब यह लोन दिया गया था उस समय चंदा बैंक में CEO और MD के पद पर थी। दोस्तों, इन लोन्स के MP होने से बैंकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वही दोस्तों, आपको रिपोर्ट के अनुसार बता दी कि कोचर परिवार को एजेंसी हेडक्वार्टर बुलाया गया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तारी कर लिया गया है। वही दोस्तों, आपको बता दी कि CBI ने यह आरोप लगाया कि वे अपने जवाबों में टालम टोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। वही दोस्तों, कोचर को शनिवार को CBI की मुंबई स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मोदी कैबिनेट के अहम फैसले, 81.35 करोड़ लोगों को 1 साल और फ्री मिलेगा मुफ्त राशन, 1 रैंक 1 पेंशन में भी बदलाव। तो दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को अहम फैसले किए हैं और दोस्तों गरीबों को मुफ्त
पर राशन देने की योजना दिसंबर 2023 तक और बढ़ा दी गई है। वहीं दोस्तों इस पर करीब 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अभी 81.35 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। साथ ही दोस्तों कैबिनेट ने सैन्य बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन में संशोधन को भी मंजूरी दी है। हालांकि दोस्तों जिन रक्षा कर्मियों ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से सेनानिवृत्ति ली है उन्हें भी यह लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीटिंग के बाद बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को दिया जाने वाला अनाज अगले 1 साल यानी दिसंबर 2023 तक मुफ्त दिया जाएगा। इससे दोस्तों केंद्र सरकार को 2,00,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वही दोस्तों मार्च 2020 से लागू योजना को 7 चरणों में बढ़ाया जा चुका है और दोस्तों इसके बाद सितंबर में इसे 3 महीने बढ़ाया गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। FMCG कंपनियां तेजी से कर रही विस्तार, बिस्किट साबुन और टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट की 11% तक बिक्री बढ़ेगी। तो दोस्तों FMCG सेक्टर पर महंगाई ने ज्यादा असर नहीं दिखाया है और दोस्तों चालू वित्त वर्ष में यानी दोस्ततों मार्च 2023 तक इनकी बिक्री 7-9% बढ़ने का अनुमान है। वही दोस्तों संगठित क्षेत्र की कंपनियों की यह बिक्री इससे ज्यादा 9-11% बढ़ सकती है। वही दोस्तों हाल ही की तिमाहियों में इस सेक्टर की बड़ी कंपनियां तेजी से असंगठित क्षेत्र हथिया रही है। तो दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि देश में खासतौर पर शहरी इलाकों में बिस्किट साबुन टूथपेस्ट जैसे रोजाना खपत के प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है और दोस्तों इस बीच FMCG कंपनियों ने कई छोटे छोटे ब्रांड का अधिग्रहण करके विस्तार की रणनीति अपना रखी है और दोस्तों रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में भी FMCG सेक्टर की ग्रोथ 10% तक के आसपास रहने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मनी हाइस्ट की तरह सुरंग बनाकर SBI से सोना चोरी, 15 दिन की प्लानिंग, 8 फीट अंडरग्राउंड रास्ता बनाया, टॉप अधिकारियों पर शक। तो दोस्तों स्पेन की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तरह ही सुरंग खोद का कानपुर में ही सोने की चोरी हुई है और दोस्तों यह चोरी संचीड़ी स्थित SBI बैंक में हुई है। वही दोस्तों चोरों ने पहले प्लानिंग की और फिर बैंक के पीछे से 8 फीट सुरंग खोदी और करीब 2 किलो सोना ले गए। वही दोस्तों यह घटना बुधवार देर रात की है और पुलिस का मानना है कि चोरों ने वारदात के लिए 15 दिन की प्लानिंग की होगी और दोस्तों पुलिस को शक है कि बैंक के टॉप अधिकारियों पर है। वही दोस्तों मनी हाइस्ट को लेकर लोगों का मानना है कि इस वेब सीरीज में दुनिया की सबसे बड़ी चोरी दिखाई गई है और दोस्तों कहानी एक प्रोफेसर की है जो स्पेन के सबसे बड़े बैंक से सोना चुराने के लिए 25 साल की प्लानिंग करते हैं और इसके बाद अपने साथियों को चोरी करने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और कई किलोमीटर की सुरंग बनाकर पूरे स्पेन का पैसा और सोना चुरा लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अब मथुरा में सर्वे के आदेश, दावा मस्जिद के नीचे मंदिर, कोर्ट ने 20 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी, हिंदू पक्ष बोला औरंगजेब ने ईदगाह। तो दोस्तों मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने शनिवार को बड़ा आदेश दिया है। तो दोस्तों यहां भी वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर की तरह ही मस्जिद का सर्वे होगा। वही दोस्तों सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर यह आदेश दिया है और दोस्तों रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी। वही दोस्तों सर्वे 2 जनवरी से होगा। इसी के साथ दोस्तों हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। वही दोस्तों पक्षकार मनीष यादव और वकील महेंद्र प्रताप ने कहा है कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत भी मौजूद है और यह वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अर्जी मथुरा के जिला अदालत में 1 साल पहले दाखिल की गई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में 24 घंटे में 3.7 करोड़ मरीज मिले, सड़कों पर रस्सी बांधकर ट्रिप लगाई जा रही। तो दोस्तों चीन में कोरोना से हालत बेकाबू हो गए है। वही दोस्तों ब्लूमबर्ग ने चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन के हवाले से बताया है कि 3,70,00,000 केसेस सामने आए थे। हालांकि दोस्तों सरकारी आंकड़ों में इस दिन सिर्फ 3,000 केस ही बताए गए हैं और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के शुरुआती 20 दिनों में 24,80,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके पहले दोस्तों जनवरी में एक दिन में
40 लाख कोरोना मरीज मिले थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन के बदतर हालात सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस बता रहे हैं। और दोस्तों एक वीडियो में लोग संतरे के लिए धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों एक क्लिप में पीपीई किट पहना बच्चा इधर उधर घूम रहा है और कोरोना के डर के कारण लोग उसे अपने पास नहीं आने दे रहे हैं। वही दोस्तों महामारी विशेषज्ञ एरिक फैगल्टिंग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इसमें एक अस्पतालों में शव का अंबार दिखा जा सकता है। और वही ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जेनिफर जैग ने भी एक क्लिप शेयर किया है। इसमें देखा जा रहा है कि सड़कों पर रस्सी बांधकर लोगों को ड्रिप चढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव के शरीर में कितने वायरस रहते हैं? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।